तो गाइज वेलकम बैक। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे, एक मुलगांव करके गांव है, तो हम लोग वहाँ पे पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे एक सबसे वो जो आपको पीछे ढाबा दिख रहा है वहाँ का है ना वड़ा पाव, बहुत फेमस है। तो अभी मीन्स हम लोग ने यहाँ पे पहुंच गए, तो हम लोग ने सोचा कि भाई क्यों ना खाते खाते चले जाए। और देख सकते हो मेरा भाई जा भी रहा है वहाँ पे वड़ा पाव लेने के लिए। तो मतलब काफ़ी लोग ने, मतलब मैंने बहुत सुना है इसके बारे में कि भाई यहाँ का वड़ा पाव बहुत फेमस है, और जो यही रास्ता मतलब जो इस तरह हम लोग जा रहे हैं तो वो रास्ता बारवी डैम के जाता है। तो जो भी लोग बारवी डैम जाते हैं ना, तो मतलब यहाँ एक ज़रूर एक ना एक बार रुक के कुछ खाते ही है। तो यहाँ का वड़ा पाव बहुत फेमस है। तो देख सकते हो मेरा भाई गया, तो हमने सोचा चलो भाई टेस्ट कर ले। तो चलो फिर देखेंगे कैसा क्या है। और वेदर भी देख सकते हो गाइस, काफ़ी बारिश वाला वेदर होने वाला है, मतलब बारिश होने वाली है। तो देखेंगे भाई, मज़ा काफ़ी आएगा। यहाँ पे श्रुतिक भाई भी, अपना श्रुतिक भाई तो भाई बस फोटो में बिजी है अपने, और ये अपना प्रतीक भाई जो लास्ट टाइम में भी मतलब था। तो चलो गाइस देखते हैं, अभी आगे जाने का कंटिन्यू करेंगे हम लोग, आपको अभी और भी अच्छी काफ़ी इन्जॉयमेंट दिखाएंगे। तो चलो गाइस मिलते हैं। गाइस आप रोड्स तो देख सकते हो, मतलब यार ये बहुत खासियत है। मतलब बदलापुर डैम में इसलिए भी जाना चाहता था यार, मतलब इन्जॉयमेंट बहुत करने को मिलता है अभी। मतलब रोड्स देख रहे हो, काफ़ी एक नेचर वाला फील आता है। मतलब बस भाई मतलब आजू बाजू बस ग्रीनरी ग्रीनरी, बस बीच में एक रोड, मतलब यार काफ़ी अच्छा फील होता है। मतलब एकदम फ्रेश फील होता है, मतलब ऐसा लगता है यार गाँव गाँव में आ गए। मतलब बदलापुर में रह के भी मेरे को इतना अच्छा मतलब ये सब देखने मिल रहा है ना, मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को, एक गांव की फीलिंग आ रही है यार, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो गाइस जैसे कि हम देख सकते हो अभी हम लोग निकल चुके हैं, मतलब वहाँ से उस लोकेशन से, क्योंकि अभी हम लोग ने वड़ा पाव खा लिया है। तो अभी निकल चुके हम लोग अपने डेस्टिनेशन के तरफ और बारवी डैम के तरफ। तो हम लोग ने इधर रुके क्योंकि भाई बहुत ही अट्रैक्टिव व्यूज़ दिख रहे हैं इधर। ये देखो चारों तरफ मतलब ग्रीनरी ग्रीनरी है रोड, और उसके बीच में बहुत ही क्लासिक लग रहा है। अभी फिर मजे कर रहे हैं हम लोग, सोच रहे कि यहाँ अभी शूट कर लेते क्योंकि बहुत ही क्लासिक व्यू लग रहा है यार। तो ठीक है, तो अभी हम लोग शूट करेंगे अपने भाई का, और अपना वो बॉडी बिल्डर भाई है भाई, इसको देख लीजिए बहुत ही जल्दी वो मतलब अपनी बॉडी के ऊपर बहुत काम कर रहा है। तो भी आगे भी वीडियो में दिखते रहेंगे, ठीक है। तो चलो फिर तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो हॉस्टल है ये सही है यार, एकदम बीच में यार, मतलब एकदम जंगलों के बीच में ये स्कूल क्या है भाई, ये क्या है, मतलब स्कूल है क्या है, हॉस्टल है हॉस्टल। सो गाइस वेलकम बैक। सो गाइस जैसे कि आप देख रहे हो, मतलब जैसे कि हर टाइम होता है, इस टाइम भी बारिश ने अपनी टांग अड़ाई दी है हमारे बीच में। मतलब हम लोग अभी जा रहे हैं बारवी डैम, तो इस बारिश ने देखो मतलब बारिश आ ही गई। तो क्या अभी हम लोग को इधर रुकना पड़ रहा है क्योंकि बारिश है, तो कहाँ से जाएंगे अभी बाइक से, अगर पोर्टलर तो हाँ अलग बात होती। सुबह मतलब फुल अच्छा क्लाइमेट था, मतलब बहुत ही अच्छा था। हम लोग को ऐसा लगा कि नहीं भाई बारिश नहीं होगा, तो इसलिए हम लोग ने रेनकोट्स भी कैरी नहीं किया। मतलब भाई चल 12-13 किलोमीटर का तो डिस्टेंस है, जाएंगे फोटो शूट करेंगे, ब्लॉग बनाएंगे और आ जाएंगे जल्दी। पर भाई आधा रास्ते भी हम लोग नहीं पहुँचे, आधा रास्ते भी नहीं पहुँचे यही बात भाई बारिश। तो हम लोग बस अभी वेट कर रहे हैं कि जैसे ही बारिश थोड़ा बहुत कम हो और हम लोग चलेंगे अपने डेस्टिनेशन की ओर, मतलब हम लोग को जाना है। तो बस वेट कर रहे हैं, जैसे बारिश कम होगा वैसे हम लोग निकलेंगे यहाँ से। तो ठीक है, तो गाइस सो गाइज अभी हम लोग बारवी डैम के इधर पहुंच चुके हैं, मतलब उनके गेट के बाहर ही अभी हम लोग।
तो हम लोग अभी जा ही रहे, मतलब बारबी डैम के रस्ते पे, मतलब लगभग पहुंची चुके हैं। तो बारिश भी काफ़ी हो रहा है, मतलब काफ़ी नहीं तो थोड़ा थोड़ा बारिश हो ही रहा है। तो भी हम लोग कितने टाइम से रुकेंगे, मतलब कब से रुके ही थे हम लोग। तो हम लोग ने बोला चलो यार कंटिन्यू करते हैं, मतलब हम लोग ने रेनकोट भी नहीं लाया था, देख सकते हो अपना भाई भी पीछे ही है। तो हम लोग चल रहे हैं अभी, तो हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग को अंदर जाने का परमिशन मिले या ना मिले, क्या पता। हम लोग बात करके देखेंगे, हम लोग को परमिशन मिलता है तो हम लोग को हम आपको अंदर का पूरा सीन दिखाएंगे। तो कैसा है तो गाइस देखते हैं, अभी देखते हैं हमको अंदर जाने ही मिलता है कि नहीं। सो गाइस कंटिन्यू रहेगा। तो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बारबी डैम। तो देखो ये है बारबी डैम, ये उसकी बैक साइड है। और हम लोग ने मतलब गेट पे जाके पूछ लिया था कि भाई अंदर एंट्री है, तो इन लोगों ने मतलब स्ट्रिक्टली मना कर दिया, एंट्री अंदर रही है, अंदर जाने नहीं दे रहे हैं।